आपका नया अरे लेफ्ट लेग से नहीं राइट लेग से एंटर कीजिए वरना अपशगुन हो जाएगा अरे क्या सावन साहब ऐसा कोई आज की डेट में कौन सुपरस्टिशन करता है आइए आपके लिए राइट लेग कर दिया जय माता दी कैसा है फर्स्ट क्लास 4 BHK के साइज में 3 BHK मिल रहा है आपको बैंड्रा में ऐसा दूसरा घर मिलेगा ही नहीं ये देखिए मस्त डाइनिंग एरिया आपका कोजी है ना दूसरा ये आपका किचन फुल्ली फर्निश्ड इधर फ्रिज आपका माइक्रोवेव वॉशिंग मशीन सारा यूटेंसिल क्रॉकरी सब मिलेगा स्टोव टॉप नहीं है स्टोव लगवाना है LPG इंडक्शन जो आप बोलोगे वो मैं लगवा दूंगा आपको ना वो नेचर के बास्केट में भी जाने का जरूरत नहीं है सब है अपने पास इधर अरे घनश्याम जी ये किचन अग्नेय दिशा में ही है ना हाँ करेक्ट आइए 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 अग्नेय दिशा अपने अभी आपको इटालियन पसंद है हाँ मार्बल भी इटालियन नीचे उतर के जाओगे रेस्टोरेंट भी इटालियन मस्त खाना मिलता है मैं कह रहा हूँ आपसे इससे बेटर घर है ही नहीं आओ 4 BHK की साइज में आपके पास 3 BHK आ रहा है बेडरूम में बेड रखने का जगह नहीं होता इधर अपन ने सोफा वगैरह रखा हुआ है अच्छा और ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो आप उसको जानते हो शाहरुख खान को हाँ? जब ही आया था ना पहला घर उस बिल्डिंग में लिया था अच्छा और उस बिल्डिंग के आगे क्या दरिया सी व्यू कम ब्यूटीफुल मैं क्या कह रहा हूँ सावंत सर हाँ? अभी आप ही CA हो ना हाँ? अब आप हिसाब लगा लो इस जगह का आप जगह का तो पैसा दे ही नहीं रहे हो आप पैसा दे रहे हो व्यू का अभी आपको जीदर जीदर मैं कह रहा हूँ आपको आपकी निगाहें दौड़ानी है आप दौड़ा लो हरियाली के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं बॉम्बे में किसको मिलता है बताओ सही में ये आपका तीसरा कमरा है ये भी सुना है बिल्कुल सेम टू सेम सेम व्यू सेम साइज अभी आए हो तो देख ही लो चलो चलो कौन लगा दे क्या हुआ कुछ नहीं ये ताला लगा हुआ है खुल नहीं रहा 2 सेकंड सारी चाबियां ट्राई की आपने अरे सावन साहब चाबियां इतनी हो गई मेरे को क्या लग रहा है ना मैं इसकी चाबी शायद ऑफिस में छोड़ा है अच्छा आप मैं अभी ऑफिस से लेकर आता हूँ है ना अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है दो गली छोड़ के मेरा ऑफिस है मैं बस यूं जाता हूँ यूं आता हूँ कोई वादा नहीं अरे काम है मेरा सर आया मैं So, what do you think? घर तो बहुत ही अच्छा है पर don't you think वो कुछ ज्यादा ही मांग रहा है तू कशाला काळजी करते हैं अगर तुम्हें पसंद है तो मैनेज कर लेंगे हाँ पंडित जी it's 170 a month हो जाएगा it's perfect great तो घनश्याम जी के आते ही डन करते कल टोकन अमाउंट देंगे और 3 साल लॉक इन पीरियड का अग्रीमेंट बना लेंगे और फिर अगर ये घर हमें जमा तो खरीद लेंगे क्या हाँ बाय द वे डिड यू नो यहाँ से बस 5 मिनट दूर एक बहुत ही फेमस मिठाई की दुकान है द मोतीचूर लड्डूज आर टू डाई फॉर बस इसी बहाने 10-12 लड्डू भी खा लेंगे खरच ऑफ कोर्स हेलो आई एम मिस्टर कपूर फ्रॉम 401 फोर्थ फ्लोर मिस्टर किशोर नमित कपूर दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया I'm Digvijay Sawant. This is my wife, Shivani Sawant. Hello. शिफ्टिंग हो गई आपकी अब जी नहीं आज ही घर देखा है पसंद आया जी बहुत घनश्याम जी आते ही डील पक्की कर देंगे हम कहाँ गया घनश्याम जी वो अपने ऑफिस गए हैं वो चाबी भूल गए थे उस वाले कमरे की और कौन कौन है आपकी फैमिली में
जी बस हम दोनों और हमारा बेटा आरव। हाँ, कितना पुराना है? How old is he? 14 साल का। स्कूल जाता है? जी। आप ही के साथ रहता है? अब हमारे साथ नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा वो? Yes, of course. How stupid of me. नहीं नहीं। चलिए, तो फिर हम एक काम करते हैं। वो जो अंदर का कमरा है ना, अटैच्ड बाथरूम के साथ, वो आप दोनों ले लीजिए। और सामने वाला कमरा आरफ के लिए। और जो तीसरा वाला कमरा है, उसे गेस्ट बेडरूम बना देंगे क्यों? ही गुड आइडिया। अरे भाई, गेस्ट रूम की क्या जरूरत पड़ गई आपको? इतना बड़ा लिविंग रूम है आपके पास, 10-12 लोग तो आराम से सो सकते हैं। शादी ब्याह के घरों में तो ऐसा ही होता है ना? हाँ, होता है ना? हाँ, पर हाँ, और अगर मेहमान ज्यादा हो गए तो आरफ का कमरा है ना, आपका बेटा आपके साथ सो सकता है। इनफैक्ट जब बच्चे और पेरेंट्स एक ही रूम शेयर करते हैं तो उनके बीच नजदीकियां बढ़ती हैं, ये मैंने साइंस जर्नल में पढ़ा है। सो ऑल इन फेवर? हाथ उठाइए। सुपर, क्लियर मेजॉरिटी। तो फिर आज से हम यही अरेंजमेंट फॉलो करेंगे। हाँ, अंदर वाला कमरा आपका, सामने वाला आरफ का, और आपके मेहमान लिविंग रूम में। इसका मतलब वो जो तीसरा कमरा है ना, उसे आप हमेशा बंद ही रखिएगा। जी, कुछ हमेशा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मत खोलिए उसे। नमस्ते। सुनिए, क्या कुछ खराबी है उस रूम में? कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई खराबी नहीं। बस वो मिनी का कमरा है ना, इसलिए। मिनी? कौन मिनी? कौन मिनी? अरे भाई, हमारी मिनी, मिनी बैनर्जी। घनश्याम जी ने नहीं बताया आपको उसके बारे में? That's very strange. चलिए, मैं ही बता देता उसमें क्या है? मिनी एक 10 साल की बच्ची थी, बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी, ब्यूटीफुल चाइल्ड। वो हमेशा एक लाल रंग की जैकेट पहना करती थी, रेड जैकेट विद अ रेड हुड एंड मैचिंग रेड बूट्स। और पता है उसके हाथ में क्या था? उसकी फेवरेट डॉल मिस्टर स्माइली। अब ये मिस्टर स्माइली दिखता कैसे था, ये बिल्डिंग में किसी को नहीं पता। मिनी ने उसके चेहरे पर एक ब्राउन पेपर बैग डाल रखा था, जिस पर एक बड़ी सी स्माइल बनी थी, और आंखों की जगह पर थे दो छोटे छोटे से छेद, स्मॉल लिटिल होल्स। पेंसिल लेके उसने दो होल्स बना दिए थे आंखों की जगह पर, इसीलिए उस गुड़िया का नाम मिस्टर स्माइली पड़ गया। किड्स, आई टेल यू, दे सो फनी। मर गई बेचारी हमारी मिनी, अचानक से एक दिन। तब से यहां जो भी रहने आता है, हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मिनी का कमरा इस्तेमाल ना करे, उसे बंद ही रखे। आफ्टर ऑल, बेचारी एक ही कमरा तो मांग रही है, दे दो उसे। हाँ, तो क्या उस कमरे में मिनी का भूत है? भूत? अरे भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं? कोई भूत भूत नहीं उस कमरे में, शांत हो जाइए, वहां सिर्फ मिनी है। हाँ, मानता हूं वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन मिनी तो बस मिनी ही रहेगी ना, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, थोड़ी ना राम से की भूत बन जाएगी, जैसे राम से की पिक्चरों में आते हैं नू करते हुए, थोड़ी बनेगी ऐसे। वैसे भी जब तक आप वो दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो थोड़ी ना कोई बदमाशी करेगी। यूसुफ, बदमाशी? कैसी बदमाशी? अरे अरे, बस बदमाशी, हल्की फुल्की सी बदमाशी, जैसे बच्चे करते हैं। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस?
हाँ यस दिस इज वेरी फनी, यू गोइंग टू लव इट. ठीक, आप लोगों से पहले यहाँ एक वकील रहा करता था, एन एडवोकेट तलरेजा. अब न्यू ईयर्स ईव तक तो पता चल ही गया था कि मरने के बाद भी मिनी हमारे बीच है. खैर नए साल में तलरेजा यहाँ शिफ्ट हुआ. मैंने उसे वही कहा जो आपसे कह रहा हूँ, नहीं माना, उल्टा कमरा खुलवा कर उसी में रहने लगा. अब पहली रात उसे यहाँ लिविंग रूम से किसी के चलने फिरने की आवाज आई, खटखट, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, बस आती रही पूरी रात आती रही. दूसरी रात उसे लगा कि बाहर कोई फर्नीचर खिसका रहा है, टेबल सोफा चेयर आगे पीछे, वो भी आगे पीछे. तीसरी रात ठीक उस दरवाजे से लगकर कोर्ट रूम जैसी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ा केस चल रहा हो. केस? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड. ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, और उसके बाद एक अजीब सी हंसी. बेचारा तलरेजा हर बार दौड़ता बाहर आता ये देखने के लिए कि भाई उसे परेशान कौन कर रहा है. हर बार कोशिश करता कि किसी ना किसी को तो रंगे हाथों पकड़ ले, लेकिन हर बार उसके हाथ लगता सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा. मैंने कहा, नाउ लुक हियर तलरेजा, ये हमारी मिन्नी है, क्योंकि तू उसके कमरे में घुसा हुआ है वो बेचारी बाहर भटकने में मजबूर हो गई. अब बेटा जब तक तू कमरा नहीं छोड़ेगा वो तो तुझे परेशान करती ही रहेगी, करती ही रहेगी. भाई बच्ची है, तब भी नहीं माना. नहीं माना, नहीं माना. So funny, our mini, her sense of humor, I tell you, Mr. Sawant is absolutely brilliant. हंस-हंस के पेट दुख गया हम सब बिल्डिंग वालों का इस इंसिडेंट के बाद. तीन सोसाइटी मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़ी, I tell you, it was very funny. मुझे समझ में नहीं आता आप हंस कैसे सकते हैं, कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत सीरियस है. ठीक है, मुझे नहीं रहना यहाँ. घनश्याम जी के आते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, और देखो घर मिले या ना मिले इस बिल्डिंग में कभी कदम नहीं रखेंगे. भाभी जी देखिए, आप जज्बाती होकर अनर्थ ना करें, मेरी सुनिए. अच्छा घर बड़ी मुश्किल से मिलता है मुंबई में. नहीं नहीं, मौके पे चौका मारने वाली बात होती है, हाँ? और आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके बगल वाले कमरे में मिनी है. नहीं, बस वो दरवाजा मत खोलिए, इट्स दैट सिंपल. अरे सावंत साहब समझाइए इन्हें. क्या समझाओ कपूर साहब, ठीक ही तो कह रही है शिवानी. नहीं, हम कहीं और चले जाएंगे, हमें नहीं रहना इस घर में जहाँ एक भूत एक प्रेत आत्मा बस रही है. कौन सी जबान में समझाऊं उसे, भूत मत कहो. इतनी छोटी सी बात क्यों पल्ले नहीं पड़ रही तुम्हारे. मैंने तलरेजा से भी यही कहा था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं समझा. पंखे से लटका मिला हमें उस कमरे में, अपनी वकीलों वाली सफेद पतलून और काला कोट पहने, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट जो उसने ब्लेड से काट कर बनाई थी, यूं ऐसे. हमने बहुत ढूंढा लेकिन उसकी आंखें नहीं मिली. उनकी जगह पर थे दो छोटे छोटे से छेद जिनमें दोनों के लिए पेंसिल्स घुसी हुई थी, ऐसे ऐसे बिल्कुल मिस्टर स्माइली लग रहा था. वो सुन सकती है हमें, सब कुछ सुन रही है उस दरवाजे के पीछे से. अगर तुम्हारी बातों से नाराज हो गई तो उस कमरे के साथ साथ इस पूरे घर पर कब्जा कर लेगी, और उसके बाद शायद हमारे घरों में घुसकर हमारी जिंदगी हराम करेगी. जब जिंदा थी तब करती थी. अरे पागल थी वो, चाकू से अपना ही चेहरा बिगाड़ कर रख दिया था उसने, बड़ी भयानक लगती थी. अरे इसीलिए तो लाल रंग की जैकेट पहनती थी हुड के साथ, टू हाइड हर टेरिफाइंग फेस. जब पागलपन हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसके बाप ने उसे उस कमरे में बंद कर दिया. वहीं पड़ी रहती दिन रात, चीखती चिल्लाती जानवरों की तरह. तंग आ गए थे हम सब बिल्डिंग वाले उससे. फिर एक न्यू ईयर ईव मिस्टर बैनर्जी ने उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी. थैंक गॉड शी डाइड. लेकिन क्या फायदा, निकलती है अपने कमरे से हर न्यू ईयर ईव पर,
हमारी मिन्नी आग में लिपटी हुई यूं गोल 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 घूमते, फिर इसी तरह सीढ़ियों से टेरेस तक पहुंचती है चीखती चिल्लाती जानवर कहीं की और वहां से छलांग लगाती है। ठीक उस रात की तरह छलांग लगाई थी उस रात भी उसने। मिलना चाहेंगे आप दोनों मिन्नी से? बस न्यू ईयर ईव तक इंतजार कर लीजिएगा, तब तक मिस्टर एंड मिसेस सावंत प्लीज फॉर गॉड्स सेक वो दरवाजा मत खोलिए। अभी भाभी जी उस दिन क्या कमरे का चाबी ऑफिस भूल गया था मैं, वापस आने में 15 से 20 मिनट क्या हुई, वापस आया पार्टी जा चुकी थी। बड़े अजीब लोग ऐसे अचानक क्यों चले गए? अरे फोन उठाए तो पूछू ना, दोनों को कम से कम 10 बार ही कॉल किया, लाइन पे आते नहीं एक भी बार। उस दिन कमरा दिखाने में लेट हो गया रहेगा तो हो गया शायद नाराज। एक तो ना मुंबई में आजकल कैसी पब्लिक आ रही है मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, बहुत आड़ी तिरछी। अभी ओनर का कमरा है, उसका प्राइवेट सामान है अंदर, तो ताला लगा के रखना पड़ेगा ना। इसमें मेरा क्या गलती आप बताओ? कह रहे अभी माता बच्ची करने का क्या फायदा, सुनने में गोरेगांव वगैरह शिफ्ट हो गए वो लोग। अब कब आएंगे घनश्याम जी, भूल जाइए ना, अब तो डील भी हो गई है फाइनल। मेरे को ना आप लोगों के साथ पहले ही डील कर लेना चाहिए था। तो हम तो डील करने को तैयार थे और मुझे लगता है कि 1 पैसा ना बहुत ही सही ऑफर था, आप ही 1.70 पे अटके हुए थे। हो गया है घर आपका 1.65 में, अभी ना गुस्सा थूक दीजिए आप माता रानी का नाम लेके। क्या ये बात आप मुझसे नहीं जैसे कहिए, आपको पता है मुझसे ज्यादा तो मेरे हस्बैंड का दिल आ गया था इस घर पर। अरे रोज इस बिल्डिंग के चक्कर काटते रहते थे, मुझे तो लगा कि पागल ही ना हो जाए। हाँ वैसे उस दिन निकला था ना मैं चाबी लेने, तो मिले थे जैसा मेरे को वो कौन रहते 401 में कपूर साहब, उसको मिलने को आए थे शायद। 100% मेरे को जैसा आपका शराब लगा। अरे इतने साल से घर दे रहा हूँ मैं, आज तक ऐसी डावाडोल पब्लिक मिली नहीं मेरे को। हो सकता है। अच्छा क्या करने का ये सब बात करके, ठीक है मैं निकलता हूँ, अग्रीमेंट वगैरह देखता हूँ और आप जैसा आपको बोलना उसका थोड़ा अलग से रहेगा, अपन समझ लेंगे आपस में। ठीक है। और आप बैठो घर देखो अपना कंफर्टेबल एंड बस चाबी आप मेरे ऑफिस छुड़ा दीजिएगा। हाँ ठीक है पहुँचा। ठीक है थैंक यू। ओके नाइस व्यू ना, इवन थ्रू द कर्टन्स। प्रिया को स्कूल से लाना है, प्लीज अपने रूम के चक्कर में मत भूलो प्लीज। यार एक बात बताओ, बच्चे स्कूल के नाम से नफरत करते हैं, am I right or wrong? लेकिन बड़े होकर अपने ही बच्चों को स्कूल भेजते हैं। These grown-ups are so confusing, no? लेकिन मिस्टर बैनर्जी अगर हमारी बेटी स्कूल ले गई तो आपकी तरह हॉरर नॉवलिस्ट बन जाएगी। That is a very good point. I just didn't think of that. Thank you. और तुम्हें मेरा काम तो याद है ना? मिन्नी हाँ भाई ले जाऊँगी उसे ग्रूमर के पास। यू नो आई जस्ट डोंट गेट इट, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते तो फिर कुत्ता क्यों पालना है? And as it is, Pom, they're so irritating, Jay. अरे कम ऑन श्रेया, ऐसा मत कहो मिनी के बारे में, वो बड़ी पहुंची हुई चीज है तुम्हें पता नहीं। अच्छा आप सीरियस? बाबा बहुत मदद की उसने हमारी, बताऊंगा तुम्हें फुर्सत से। अच्छा चलो सच कहो, घर तो पसंद है ना तुम्हें? Yeah, I really like it. One second, I have a surprise.
there it is. Yeah. Our surprises. You know, अच्छा घर बड़ी मुश्किल से मिलता है मुंबई में. मौके पे चौका मारने वाली बात होती है. Cheers. Cheers.